दुकान में घुसकर युवक पर हमला। परचून की दुकान में घुसे तीन हमलावरों ने गर्दन और चेहरे पर किए कई वार। जब घायल ने शोर मचाया तो भागे हमलावर। उत्तर प्रदेश के बांदा में देर रात परचून की दुकान में घुसकर युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। उसकी गर्दन सहित अन्य जगहों पर वार किए गए। जब युवक ने शोर मचाया तो आसपास के लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला बांदा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के पलहरी RTO ऑफिस के पास का है, जहां पर रामफल पुत्र स्वर्गीय राजकुमार कोरी उम्र 27 वर्ष अपनी परचून की दुकान में सो रहा था। रात में 2 से 3 बजे के बीच कुछ लोग दुकान में घुस आए और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों ने गर्दन और उसके चेहरे पर वार किए। जब युवक चिल्लाया तो आसपास के पड़ोसी इकट्ठा होना शुरू हो गए, तभी मौका देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया है कि पुलिस को रात में 3 बजे सूचना मिली थी कि रामफल कोरी, जिनकी उम्र 27 वर्ष है, उनके ऊपर 2 लोगों ने हमला किया है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया पारिवारिक मामला लग रहा है। पीड़ित ने पारिवारिक जनों पर हमला करने का आरोप भी लगाया है। कोतवाली नगर में लगभग सुबह 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रामफल कोरी, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, इनके ऊपर 2 लोगों ने चाकू से हमला किया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया जो ये मैटर है पारिवारिक लग रहा है, एवं जो इसमें विक्टम है उसके द्वारा जो स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्डेड दिया गया है, उसने अपने परिजनों के ऊपर रंजिश रखने की नज़र से हमला करके का आरोप लगाया है। इसको हर एक एंगल से चेक किया जा रहा है फोरेंसिक टीम द्वारा एवं SOG द्वारा। इस पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और सभी टीमें लगी हुई हैं। इसमें जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा और जो विक्टम है उसको अभी कानपुर रेफर कर दिया गया है। उनको गंभीर चोटें आई हैं। मुकदमा पंजीकृत कर जल्दी इसमें विधिक कार्रवाई खत्म की जाएगी। CIBN इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।